हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूं कि हम जो भी व्हीकल अपना यूज करते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर वगैरह जो भी करते हैं, तो उसमें हम लोगों को किस तरह की जो है क्या क्या चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए, और गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो दिक्कत को कैसे ठीक किया जा सकता है, और जो है उसमें क्या क्या ध्यान देना है। तो ये है जी नेहा ऑटोमोबाइल। नेहा ऑटोमोबाइल जो है बख्तावरपुर चौक पर है। ये आप कभी इधर रहते हो तो ये बख्तावर चौक है। यहाँ से जो है हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट नगर वाली साइड से, अलीपुर से इधर से, और ये बख्तावरपुर का जो है मेन चौक है। फ्लैग वाला जो झंडा लगा हुआ है ये है। और आपकी बाइक में किसी भी तरह की कोई सर्विस करानी है, किसी भी तरह का जो कार्य है, तो यहाँ पर ये जो पावर, ये ट्रांसफार्मर के साथ में यहाँ पर है ये नेहा ऑटोमोबाइल। और यहाँ के जो ओनर हैं वो हैं विकास जी, और ये है विकास जी का वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन। और जो यहाँ के जो मालिक हैं विकास जी, उनका जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 25 साल से जो है मोटर बाइक की जो है रिपेयरिंग का काम करते हैं। और आपको अच्छे मिस्त्री की तलाश है, और अच्छे से आपने अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना है तो आप इनसे ज़रूर मिलें, और इनसे अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। और ये हैं इनके छोटे जूनियर शागिर्द। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम दिलचंद है। क्या नाम है? दिलचंद। दिलचंद, अच्छा जी। दिलचंद साहब, आप क्या कर रहे हो? इंजन बांध रहे हैं। इंजन क्यों बांध रहे हो? इंजन में क्या प्रॉब्लम हुआ? इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी ऑयल उठा रहा था। तो दिलचंद जी, ये मोटर बाइक में क्या दिक्कत थी, किस लिए आप इसको जो है इंजन को कर रहे हो? इसका जो है ना करेंग का बैरिंग टूट गया था, ठीक है ना। कौन सा होता है करेंग का बैरिंग? ये बैरिंग हो गया करेंग का, ये करेंग हो गया इसका। अच्छा, ये बैरिंग हो गया, बैरिंग टूट गया। बैरिंग टूटने पर पिस्टन में दिक्कत आ रहा था, गाड़ी ऑयल उठाने लगा। ऑयल उठा रही थी गाड़ी? उसके बाद हमने इसमें वायरिंग डाल दिए, करेंग का काम कर रहे हैं, रिंग पिस्टन का काम कर रहे हैं इसका। अच्छा अच्छा, तो आपको कितना साल हो गया काम करते हुए? ये काम करते करते 8 साल हो गए हमें। अच्छा, ये इंजन जब आप बांधोगे तो इसकी कितनी लाइफ होगी? 4 से 5 साल। अच्छा, एक बार इंजन का काम होगा तो 4 से 5 साल जो है चल जाएगा। तो अभी जब इंजन जब तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जो इंजन ज़्यादा से ज़्यादा चले उसके लिए क्या जो है कस्टमर को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए? कस्टमर ध्यान उससे परफेक्ट काम होना चाहिए। कितना भी कर लेंगे तो 4 से 5 साल चल गए, कंपनी से जुगाड़ आ गया। अच्छा, बाहर कितना भी जैनमन सामान डालो, कुछ भी पार्ट डालो, एक ही बार काम से 5 साल 4 साल इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, कुछ भी डाल लो इसमें, ये हो गया करेंगे इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये भाई विकास जी की वर्कशॉप, और पूरे इनके पास में सारी चीज़ें सब अवेलेबल हैं जो भी औजार चाहिए। और यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया काम होता है सर्विसिंग का, ये बहुत बढ़िया इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया से जो है गाड़ियों की धुलाई होती है। ये आप अपनी गाड़ी का सर्विस के लिए आते हो तो यहाँ पर वॉशिंग है, और यहाँ के जो मैकेनिक हैं वो एक से एक यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस्ड है। और ये बहुत ही जो है खास खास कंपनियों का, मोस्टली सभी कंपनियों के इन्होंने, मोबिल का है, ब्रूटल है, और मोतुल का है, जीएस कार्टेक्स है। बहुत ही ज़बरदस्त जो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट बनाती हैं ऐसी कंपनियों के, इन्होंने इंजन ऑयल को ये लोग यूज करते हैं। क्वालिटी से इनका बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। गाड़ी का मेंटेनेंस चाहते हैं तो आप बख्तावरपुर साइड में हो तो आप जो है विकास जी की सेवा नेहा ऑटोमोबाइल की ले सकते हो। और आपने कोई भी कोई आपकी गाड़ी में दिक्कत परेशानी है तो आप मैसेज करके बताएं तो विकास जी आपको इसके बारे में जवाब देंगे। और विकास जी का जो फ़ोन नंबर है मैं वो लिंक में दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नेहा ऑटोमोबाइल के जो मालिक हैं, और उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे।